स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डी आर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन में देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लड रिलेशन है आप लोगों का। लिखा है डायरेक्शन में कि देयर आर टू फैमिलीज, दो फैमिली है, एक तो आपका रॉयल फैमिली, एक तो आपका भट्ट फैमिली है, ठीक है। सच दैट द एल्डेस्ट फीमेल मेंबर ऑफ बोथ द फैमिलीज आर सिबलिंग्स। कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ी महिला होगी वही दोनों फैमिली की सिबलिंग्स होने वाली है, एक तो रॉय दूसरा भट्ट, ठीक है। देर आर 14 मेंबर्स इन बोथ द फैमिलीज टुगेदर ओवर 3 जनरेशन। कहने का मतलब है कि आपका 14 मेंबर है आपका 3 जनरेशन में दोनों फैमिली के बीच में बताया गया। हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, उसके बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। चलिए, लिखा है क्या कि क्यू इज़ द यंगर डॉटर ऑफ एल। क्यू जो है वो यंगर डॉटर है एल की, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये रॉय की है फैमिली या फिर भट्ट की फैमिली है। हम लोग को एक पॉइंट मिला क्या कि एम इज़ द मदर ऑफ एक्स एंड सी डज नॉट बिलोंग्स टू रॉय फैमिली, ठीक है। मतलब ये भट्ट फैमिली के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, भट्ट फैमिली के बारे में, भट्ट फैमिली के बारे में बता रहा है क्या कि एम इज़ द मदर ऑफ एक्स। एम जो है ये एम जो है वो क्या है, एक्स की माँ, ठीक है। वो एम जो है वो एक्स की क्या है, माँ। इतना तो कन्फर्म हो गया मेरा, जब ये माँ है तो इसके कोई ना कोई पिताजी भी होंगे, ठीक है। और इसमें 3 जनरेशन करके दिया गया है। उसके बाद फिर क्या लिखा है कि डब्लू बिलोंग्स टू भट्ट फैमिली। डब्लू जो है वो बिलोंग्स टू भट्ट फैमिली एंड हैज़ ओनली वन चाइल्ड भी। मतलब W जो है वो भट्ट फैमिली से बिलोंग करता है और उसका केवल एक चाइल्ड है, वो है आपका कौन है, भी आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे हम लोग को कॉमन टर्म ढूंढना है। हम लोग को क्या करना है, कॉमन टर्म ढूंढना है, या तो M से मिल जाए या फिर आपका X से मिल जाए। लिखा है क्या, M has only one daughter who is not X। कहने का मतलब है कि M के पास एक और डॉटर है, एक और क्या है, एक डॉटर है, लेकिन वो क्या है, एक्स नहीं है। मतलब डॉटर एक्स नहीं है, कन्फर्म, तो ये मेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में फिर क्या लिखा है, आगे देखते हैं कि एस इज द सन इन लॉ ऑफ जे। हम लोग पॉइंट ढूंढ रहे हैं, हम लोग कॉमन टर्म ढूंढ रहे हैं, कॉमन टर्म ढूंढ के हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपका अलग अलग पॉइंट में अवेलेबल है। लिखा है क्या कि एस इज द सन ऑफ, सन इन लॉ ऑफ जे। एस जो है वो जे का सन इन लॉ है, ठीक है। एंड एस इज़ द फादर ऑफ एक्स नेफ्यू भी। मतलब एक्स का कोई नेफ्यू है भी, और भी के यहाँ जो है या तो पिता या तो माता डब्लू लगने वाले हैं, कन्फर्म, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि एस इज़ द फादर ऑफ एक्स नेफ्यू, मतलब क्या है फादर, तो ये पक्का मदर, और जैसे ही मदर होगी तो ये कन्फर्म एम की बेटी हो जाएगी। लिखा भी था कि एम हैज़ ओनली वन डॉटर हु इज़ नॉट एक्स लिखा था, तो जैसे ही यहाँ डब्लू होगी तो इसका भी कोई हस्बैंड होगा, वो एस होगा और ये मेल है, और यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भतीजा है एक्स का भी, ठीक है। तो ये कंफर्म, ये ब्रदर सिस्टर, ये इसकी सिस्टर लग जाएगी। डब्लू जो है वो एक्स की क्या लग जाएगी, सिस्टर लग जाएगी। और एस जो है वो सन इन लॉ किसका है, एस जो है वो सन इन लॉ है आपका जे का, कन्फर्म। तो मेरे हिसाब से ये भट्ट फैमिली कंप्लीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग तो कन्फर्म कंप्लीट हो गए। अब 14 में से 6 बचा, 6 गया, बचा कितना आपका 8। तो उसी 8 लोगों को हम लोग को अरेंज करना है। इधर हम लोग अरेंज करेंगे रॉय फैमिली, ठीक है, रॉय फैमिली। और इस दोनों की सबसे जो एल्डेस्ट महिला होगी, फीमेल मेंबर होगी, वो आपस में क्या है, सिबलिंग है, ठीक। ये यहाँ पे कंफर्म, मतलब यहाँ भी कोई ना कोई महिला होने वाली है, इतना कंफर्म कर दिया गया। फिर क्वेश्चंस में आपसे देखिए अब आगे क्या लिखा है, हम लोग क्या करेंगे, क्यू इज द यंगर डॉटर ऑफ एल। क्यू जो है वो यंगर डॉटर है एल की, तो एल की छोटी बेटी है क्यू, कंफर्म, इतना तो बताया गया। हम लोग अलग बना लिए, पता नहीं ये कैसे होने वाला है। एल हैज ओनली वन सन हु इज अनमैरिड। एल के पास केवल एक सन है हु इज क्या है, अनमैरिड है, ठीक है। चलिए, ये आपका लिखा गया, एन इज़ द नेफ्यू ऑफ क्यू। एन जो है वो क्यू का क्या है, नेफ्यू है, मतलब क्यू का नेफ्यू है एन,
तो ये अनमैरिड है, इसका कोई ना कोई ये सिस्टर कंफर्म, क्योंकि केवल एक ही बेटा है इसके पास, ठीक है, केवल एक ही सन है, वो भी अनमैरिड है, और क्यू का नेफ्यू हो जाएगा एन, यहाँ पे कंफर्म लिखा गया है, जैसे ही नेफ्यू होगा तो ये मेल हो जाएगा। अब हमको पता चला कि मेरे पास तीन जनरेशन है, ये क्वेश्चंस में आप लोगों को बता दिया गया है, तो तीन मेरा जनरेशन है, तो एक दो तीन तो ऑलरेडी होगा, मतलब कंफर्म जो है वो एल जो है कहीं ना कहीं ये फीमेल या फिर मेल होने वाली है, इतना कन्फर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को ऊपर ही बिठा देते हैं कि दूसरा फिगर बनाने का ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़े। चलिए, यहाँ क्यू हो जाएगी और यहाँ कोई ना कोई अनमैरिड है एल का, तो एल आपकी यहाँ भी, एल आपकी यहाँ भी, आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्यू होगी, यहाँ इसको मेल कर दो, यहाँ हाँ ये तो हो गया, ठीक है, और यहाँ भी कोई फीमेल है, यहाँ भी कोई क्या है, फीमेल है, और ये भी शादीशुदा है क्योंकि इसका जो है एक पुत्र है एन और वो मेल है, तभी ना ये क्यू का भतीजा लगेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये एडजस्ट हो गया, इसको हम लोग डिलीट करते हैं नीचे वाले को, ऊपर में क्लियर बन चुका है। उसके बाद क्वेश्चंस में क्या है, एल इज ओनली वन सॉर्ट वन सन हु इज अनमैरिड, ये तो हो चुका। डब्ल्यू बिलोंग्स टू भट फैमिली, डब्ल्यू जो, ये तो भट वाला हो चुका है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, लिखा है के इज द ग्रैंड फादर ऑफ एन सिबलिंग्स टी, मतलब एन का कोई ना कोई सिबलिंग है टी, मेल फीमेल क्लियर नहीं किया गया है। सिबलिंग्स मतलब भाई भाई या बहन बहन नहीं होते, या तो भाई भाई या तो भाई बहन हो सकते हैं, या तो फिर बहन भाई, दोनों में से कुछ भी जेंडर क्लियर नहीं होता है। सिबलिंग मीन सगा होता है, बस ये आप लोग ये जानिएगा, ठीक है। अब के जो है वो ग्रैंड फादर है, कहने का मतलब एल पक्का सियोर इधर, के इधर ग्रैंड फादर, ठीक है दादाजी। हु इज़ द फादर ऑफ आर, हुज फादर इज आर, मतलब टी के जो पिताजी हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे ही टी के पिताजी आर होंगे तो एन के पिताजी भी क्या हो जाएंगे, आपके आर होने वाले हैं। आर इज नॉट द सन ऑफ के, मतलब के का वो जो है वो सन नहीं है आर, यहाँ पे मतलब यहाँ आर नहीं, आर तो इसका सन इन लॉ लग गया ना, तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो गया, ठीक है। डी इज द सिस्टर ऑफ बी एंड बिलोंग्स टू रॉय फैमिली, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो डी यहाँ और आपका बी यहाँ, डी जो है वो बी की सिस्टर है, वो बी की क्या है, सिस्टर है, तो बी की जैसे ही सिस्टर लगेगी, ये भी सिस्टर, ये भी सिस्टर, ठीक है। और केवल एक पुत्र है इसका, केवल आपका इसका एक पुत्र है जो अनमैरिड है, जिसके बारे में चर्चा किया गया, क्योंकि बारे में हमको पता नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और कुछ पॉइंट छूटा नहीं, हम एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। क्यू इज़ द यंगर डॉटर ऑफ एल, क्यू इज़ द यंगर डॉटर ऑफ एल, चलिए सही है। एल हैज़ ओनली वन सन हु इज़ अनमैरिड, एल के पास केवल एक सन है वो अनमैरिड है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एल इज़ द नेफ्यू ऑफ क्यू, क्यू जो है वो एन जो है वो क्यू का, क्यू की नेफ्यू है, क्यू का नेफ्यू है आपका, तो एन यहाँ पे कन्फर्म। W belongs to Bhatt family and has only one child. Confirm. ये भी हो चुका है. M is the mother of X. ये भी सही है. And she does not belongs to Roy family. ये भी सही है. ये तो Bhatt family से हो गई. दूसरा, S is the son-in-law of J. S is the son-in-law of J. बिल्कुल सही. And S is the father of X nephew B. S is the father of X का nephew B का पिताजी S होने वाले. ये भी confirm. K is the grandfather of N and sibling T, मतलब N T के grandfather K, ये भी confirm, ठीक है। तीन generation का बात किया था। Who is the father of R, whose father is R, मतलब जिसके पिताजी R, confirm, ये भी confirm। D is the sister of B, ये भी हम लोगों ने अभी just बिठाया। M has only one daughter who is not X, M के पास केवल एक daughter है जो X नहीं है, ये भी confirm, मतलब W इसकी क्या हो जाएगी, daughter हो जाएगी। R is not the son of K, मतलब आर जो है वो के का सन नहीं है, कंफर्म, मतलब बी सन हो गया, आर इसका सन इन लॉ हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या लिखा है आपका, हु इज द आंट ऑफ एक्स, एक्स की आंट क्या हो जाएगी, आंट मतलब क्या, चाची बुआ है ना, मासी और मामी जी होती है, तो एक्स यहाँ, हम यहाँ खड़े, ये मेरी माँ, माँ की बहन, मेरी क्या लगेगी, आंट, ठीक है, पहला का आंसर हो गया। फिर क्वेश्चंस में क्या लिखा, हाउ बी एंड डब्ल्यू रिलेटेड, तो B और W रिलेटेड कैसे, ये जनरेशन आपका सेम है और दोनों आपस में सिस्टर है, सिबलिंग है, तो कहने का मतलब ये कन्फर्म जो है वो कज़न होंगे, कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर है ना, चचेरे मुमेरे फुफेरे भाई या बहन जिसको हम लोग बोलते हैं। फिर क्वेश्चन में थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर बोथ इन द फैमिली टुगेदर, अब देखो फीमेल मेंबर एक का क्लियर नहीं है, फीमेल एक ही मेल है, लेकिन कम से कम कितने हो सकते हैं ये तो हम लोग बता ही सकते हैं ना, तो एक दो तीन चार और पाँच, एटलीस्ट फाइव दिया गया ऑप्शन शायद, हाँ
फाइव दिया गया, एटलीस्ट फाइव करके दिया गया, वो आपका सही हो गया। चलिए फिर आपका क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, हाउ इज एल जो है वो रिलेटेड टू टी, तो जहां से बोला हम लोग खड़े वहीं से हो जाएंगे। हम यहाँ पे खड़े, ये मेरा भाई, ये मेरी माँ, और माँ की माँ मेरी कौन, ग्रैंड मदर, है ना। हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, मतलब ग्रैंड मदर हो जाएगी। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि हु इज द ओनली सन ऑफ के एंड एल, ओनली सन ऑफ के एंड एल मतलब क्या हो जाएगा भी। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान नहीं था, लेकिन जनरेशन शिफ्ट करना था हम लोग को, व्हाट और फिर रॉयल फैमिली के बीच में, ये दोनों फैमिली के बीच में हम लोग को जनरेशन क्या करना सेट करना था। तो इस पे जब तक आपका सिटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन दे देता है साथ में, तो जब तक आपका ब्लड रिलेशन क्लियर नहीं हो, जब तक आपका जनरेशन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका फैमिली ट्री क्लियर नहीं होगा, तब तक आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम आपको ब्लड रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो पहले ब्लड रिलेशन बनता है, फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट या फिर आपका पजल बनता है। जब तक आपका ब्लड रिलेशन क्लियर नहीं होगा कि ये सिबलिंग्स क्या होता है, सिस्टर क्या होती है, ब्रदर क्या होते हैं, फादर इन लॉ, सन इन लॉ वगैरह जो भी है क्या होते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार खुद से ट्राई करो, बनाने का कोशिश करो, नहीं बने वीडियो देखो हम लोगों का, शेयर करो जितना पॉसिबल हो सके हम लोग का वीडियो शेयर करो, ठीक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू।